नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है गायक से सितारे बने हिमेश रेशमिया की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक बात बताओ यार, फिल्म देखा हमने, इतने नोट बटोरे आपने, बॉक्स ऑफिस तो सुपर हिट कर दी फिल्म, वो टोपी फटी पहन के सर प्रभु जी आपके सामने डर बहुत लग रहा है, क्या करूं? नहीं, क्या टोपी फटी क्यों पहनी तुमने? टोपी ये थोड़ा पता नहीं, मेरी जो सिस्टर है रूपा वो मेरी डिजाइनर है और ये डिजाइनर में उसने कह दिया कि भाई यही पहननी चाहिए, तो यही किस्मत और अच्छी आगे चलेगी, इसे बढ़ के सुपर हिट होगा। आप आशीर्वाद दीजिए बस। नहीं, फिल्म तो अब लोगों ने दे दिया, मैं क्या करूं उसके बाद, अगर मैं चाहूं भी फिर कुछ नहीं कर सकता, पैसे तो हो गए इकट्ठे। पर ये बताओ, अखबार वालों ने आपको इतनी गालियां दी, रिव्यू आपके इतने क्रिटिकल आए, तो मार्केट का रिस्पॉन्स जिन्होंने फिल्म देखी हिमेश रेशमिया की और जो लोगों ने लिखा, जिनको फिल्म देखना आता है समझना आता है, उन्होंने आपकी खाल क्यों उधेड़ दी? देखिए, क्रिटिक्स ने शोले और हम आपके कौन को भी नहीं छोड़ा था, तो मेरी पिक्चर क्या चीज है, और मैं समझ सकता हूँ, बट बॉक्स ऑफिस पे आज पिक्चर चली, ये लोगों की दुआएं और मेरी माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि 29 जून को जो रिलीज हुई मेरी मम्मी के बर्थडे के दिन, तो बस वो जबरदस्त रहा और 99% लोग, जनता, मीडिया, सबका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा और वो हमेशा कुछ ना कुछ बस आशीर्वाद देते रहे हैं। 1% क्रिटिक्स हमेशा अगेंस्ट रहे हैं और उन्होंने आशिक बनाया अपने या मेरे जितने भी गाने थे उन सबको भी ऑलवेज क्रिटिकली देखा, बट मैं उन्हें जीतने की कोशिश करूंगा सर और नेक्स्ट टाइम जरूर जीतूंगा। ये नहीं लगता कि क्योंकि हिमेश रेशमिया की फिल्म इसलिए बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई पहले हफ्ते के अंदर, जैसे क्रिश थी या कोई और फिल्म जो आई या धूम 2 आई उसके बराबर की है, उससे बढ़ के कलेक्शन अगर हुई उसकी, तो ये लगता नहीं आपको इसलिए कि हिमेश रेशमिया सिंगर के रूप में लिखा, लोगों ने आपको पसंद किया, लगा कि एक्टर भी देख लें एक हफ्ते या दो हफ्ते के बाद और लगे कि नहीं यार तो गलती होगी? हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए, लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया था तब लोग ये कहते थे कि नाक से गाता है, वो तो अभी आपने माना था, और मैंने अभी एक्सेप्ट कर दिया है, लेकिन म्यूजिक तो लोगों ने मेरा सुनना और माने और सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मेरा अनकन्वेंशनल स्टाइल है, मैं किसी एक्टर के साथ कम्पीट भी नहीं कर रहा हूँ, और एक 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 अलग भूमिका जो लोगों को देखने मिली थी वो मेरे फैंस को ये सब ये फिल्म में देखने को मिला और मजा आया। नहीं, इस फिल्म में मैंने थोड़ी सी देखी है, पूरी नहीं देखी, सीधे बताऊं, देखने गया था क्योंकि मेरे को आपका इंटरव्यू करना था, उसमें भी आपने गाना तो जैसे नाक से गाते हैं, यहाँ प्यार भी आप जो कर रहे थे थोड़ा सोच सोच के कर रहे थे कि इश्क करूं कि नहीं करूं। अब सर मेरा आपका सरूर चढ़ा पर चढ़ा नहीं आपके फिल्म में। सर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दिल से एक्टिंग करता हूँ, दिल से गाता हूँ और दिल से ही म्यूजिक देता हूँ, तो जो नेचुरली आया समझ में वो मैंने किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जनता जनार्दन से ऊपर तो कोई नहीं होता, और वो जो 1% क्रिटिक्स है उनको मैंने बनारस फिल्म में, एक क्लासिकल फिल्म थी, उसमें म्यूजिक में सेटिस्फाई किया, उन्होंने 5 स्टार दिए, लेकिन फिल्म जो थी इतनी डब्बा हुई, लेकिन अब मैं अगली बार कोशिश ये करूंगा कि 99% के साथ वो 1% को भी सेटिस्फाई। क्रिटिक्स की बात है, मैं ये सोचा था फिल्म के ऊपर कि आपको लगता था अपनी टोपी से ज्यादा प्यार था और लड़की से कम था, एक बार उतारी थोड़ी देर के लिए आपने, उसके बाद फिर अपने बाल छुपा लिया आपने। आपके सवाल ऐसे होते हैं ना सर कि डर बहुत लगता है जवाब देने में, सोचने में मेरी ऐसे ही बैंड हो गई। टोपी से इश्क जो है आपका, आपकी टोपी की रात तो बच गई कि फिल्म चल गई। सर मैं रियली डर रहा हूँ बहुत, मुझे बहुत नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने, रियली क्या टोपी की रात तो बच गई, चल गई ना फिल्म, चल गई, लेकिन अभी आपके सामने मैं चल जाऊँ ये मेरे लिए कुछ नहीं है ना, कम ऑन यार, रोमांस करना सीखना चाहिए। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हिमेश रेशमिया रोमांटिक गाने अच्छे गा लेते हैं, लोग डांस करना शुरू कर देते हैं उसके बाद, पर वहाँ जरा कोई सरूर ज्यादा सर अभी है। इतना आप क्रिटिक्स ने तो इतना उधेड़ा है, आप तो मत उधेड़ो प्लीज। अब जनता ने प्यार किया, आप भी प्यार कर लो ना सर। नहीं, प्यार तो कर ही रहा हूँ मैं आपको, पूछने की कोशिश करो कि फिर दोबारा एक्टिंग जब करेंगे आप? दोबारा करूंगा तो आपको भी सेटिस्फाई कर दूंगा, आपको तो ठीक लगी ना? मेरे को लगा कि टोपी से प्यार जो था आपका, जो लॉयल्टी है ना, अरे बट लॉयल्टी, जो आदमी वफादार नहीं वो इंसान ही, इसलिए वफादारी है। और बाकी जहाँ तक आपकी एक्टिंग की जो बात आप कर रहे हैं वो बहुत नेचुरली, मेरे फैंस को भाई वही है ना, अगर मैं क्रिटिक्स की बात फॉलो करता तो पहले गाने के बाद बोला गया था कि भाई बोलना बिल्कुल बंद कर दे गाना, क्यों नाक से क्यों गाता है भाई, तो अगर फॉलो करता तो आज तक यहां नहीं पहुंचता। अब क्रिटिक्स की अगर मैं फॉलो करूंगा तो आगे भी नहीं बढ़ सकूंगा, लेकिन उनको भी जो चाहिए मैं समझ रहा हूं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को मर्ज करके ऐसा कुछ आगे करने की कोशिश जरूर करूंगा। नहीं, मैं कह रहा कि एक नया रोमांटिक हीरो फिल्म के अंदर टोपी के साथ, क्योंकि होता नहीं है नॉर्मली, बट टोपी के बिना भी है ना सर, आगे टोपी के बिना आ जाऊंगा, इतना क्यों, इतना इसलिए कि क्यों आपकी पहचान एक बन गई है ना। बट सर टोपी के बिना जो लोग देखना चाहते थे, जो वादा था वो दिखा दिया ना, बट अब आप चाहते हो कि पूरा ही टोपी
के बिना अगर देखना है तो फिर आगे आओ। क्यों पिछली बार जब सीधी बात मैंने की थी तो आपने कहा था कि इस तरह के गाने आप गाते हैं ना जिसमें कोई ना कोई गम होता है, कुछ छोड़ के आया कितनी प्यार में आप। मैं एक ट्रू लवर की जर्नी को एक्सप्लोर डेफिनेटली करता हूँ क्योंकि हर इंसान ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया है। और सर आपने कभी किसी से प्यार? बहुत प्यार किया। किससे? बहुत प्यार किया। किससे? अपनी पत्नी से। ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बात लोगों को नहीं मालूम। पहले मेरे को कोई पसंद नहीं करता, गरीब आदमी था, कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, मौका नहीं मिला। लेकिन रियली ये बात, आपको बड़े मौके मिलते हैं। सर मुझे तो क्या, मुझे तो कोई भी प्यार, मैं तो रोतड़ू लवर हूँ। लेकिन एक बात है कि प्रभु चावला जी को किससे प्यार है, ये बात आज पहली बार आज तक में किसी को पता चली है। तो ठीक बात है, मैं सच बोलता हूँ ना, आपकी तरह नहीं हूँ। अच्छा सर देखिए, तो एक बताइए, आपका सर के अंदर जो आपने फिल्म में एक्टिंग की जी, तो आपने जो रोल निभाने की कोशिश की उसके पीछे क्या है? इमेश में सिंगर का एक लवर, यार लवर सिंगर दोनों का रोल में किसका रोल? मैं ये कहूंगा कि एक सच्चे आशिक जो एक कॉमन मैन के अंदर होता है, वो जो बनावटी एक्टिंग नहीं होती, जो ड्रामेटिक एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि सर मैं बहुत ही कॉमन मैन, बहुत ही नीचे से आया हुआ, बहुत ही सिंपल, मैं स्टार हूं ही नहीं, सिंपल आदमी। तो वो जो एक जर्नी ऑफ अ ट्रू लवर नेचुरली जो दिल से परफॉर्म किया, क्योंकि ये मुझे ऑलवेज लगता है कि जो ये तेरा मेरा मिलना, जरा सुनाइए ना इसको। From your mind blowing, you are superb, you are the best. ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा। तो जब आप ये गाना गा रहे थे तो कन्या जो थी आपके सामने जिसके लिए गा रहे थे, तो जब बाद में एक और कन्या आ गई, मल्लिका शेरावत जी आ गई। अच्छा वो पॉइंट भी पूछना है। ओ माने आज तो बहुत कुछ पूछना है। तो वो उसका क्या रोल था उसके? सर मल्लिका शेरावत इज प्लेइंग आउट एंड आउट नेगेटिव रोल इन द फिल्म, और हंसिका सारे पैसे ले गई आपके। देखिए सर पता नहीं कितने रूमर्स देखे अभी ये बात भी तो आपको क्लियर करनी है। पैसे की बात मत करो, मल्लिका शेरावत की कीमत कितनी ली आपने? मैं बाद में पूछूंगा आपसे। मल्लिका शेरावत नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, लेकिन एक आइटम सॉन्ग का रोल नहीं प्ले कर रही, जैसे कि लोगों ने पब्लिश किया कि भाई वो एक आइटम सॉन्ग आपने कंपोज किया था। नहीं मैंने एक जो फिल्म में गाने हैं इतने सारे मैंने ही किए, बट एक गाना जो सारे गाने चल गए थे, तो एक हमने एज ए ट्रिब्यूट टू आर डी बर्मन जी, वो जो इंसिडेंट हुआ था आशा जी का, जिनके लिए आपने माफी मांगी थी, तो वो जो इंसिडेंट हुआ था उसमें आशा जी ने मेरे साथ एज अ मुझे माफ करके वो एज ए ट्रिब्यूट टू आर डी बर्मन जी वो गाना गाया, महबूबा शोले का। तो वो गाना क्योंकि मल्लिका वाज ऑलवेज वाज देयर इन द फिल्म, सो इट्स शॉट ऑन मल्लिका, शी इज महबूबा, सो महबूबा वाला गाना इज ऑन हर। एंड तो मैं जो पूछ रहा था फिल्म के अंदर सिंगर का रोल, अपने आप को जब आप एक्टिंग कर रहे थे कभी ये लगता था कि आप एक्टिंग करते करते सिंगर बन जाते थे? सर अभी क्या है ना, एक्टिंग कह लो, सिंगर कह लो, ये कह लो, अब हिमेश रेशम में ये है यार, अभी जो है यही है यार, अब आप प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना यार। आपने इतने सारे अपने वेश बदले, रोल बदले, कहाँ से शुरू किया था आपने? सीरियल प्रोड्यूसर, 16 साल की उम्र में म्यूजिक डायरेक्टर बने, सिंगर, उसके बाद रॉक स्टार बन गए सो कॉल्ड। लेकिन सो कॉल्ड तो लंदन वेम्बली के बाद तो आप ही ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि अब आप सो कॉल्ड नहीं रहे। मैं रहा हूँ सर, अभी आप क्लियर कर दो अभी आज। नहीं आप तो स्टार हैं, आप चलिए रॉक स्टार नहीं स्टार हैं। चलिए तो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एक्टर बन गए। अब क्या है ना कि जब कुछ करता हूँ तो लोग करते हैं, अब मैं सह रहा हूँ सर। और क्या है कि ये नेजल, एक बात आपसे बहुत मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक साल तक ये आशा जी की कॉन्ट्रोवर्सी भी क्यों हुई, क्योंकि मैं डिफेंड करता रहा, मैं हाई पिच में गाता हूँ। लोग ने कहा नेजल गाता है नाक से, गाता है नाक से। मैंने एक साल तक डिफेंड ही नहीं करना चाहिए था, पहले ही कर देता। अब उस क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हुई, मुझे भी बुरा लगता था, पता नहीं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि जब एक सिंगर हाई पिच में गाता है तो सुरों की कुछ श्रुतियां निजल हो जाती हैं, लेकिन उसमें वो कंट्रोवर्सी हुई, मैंने माफी मांगी। अब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई मैं नाक से गाता हूँ। मतलब आपकी ये नाक वाली बात दोबारा कोई पूछेगा नहीं, इसलिए नहीं पूछेगा। बट मैं क्या करूं सर, मैं कितनी अभी मैं क्या कहूं सर। सवाल ये है कि आप सक्सेसफुल सिंगर, आप कंपोज भी कर लेते हैं, म्यूजिक भी अच्छा बना लेते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन आपका हो गया, परंतु आप पंगे लेने की आदत आपकी फिर भी है। देखिए सर आप फिर मुझे सीधी बात में आना, यानी कि यार सर मैंने क्या पंगा लिया? देखो इतने सारे पंगे लिखे हुए मेरे, आशा भोसले जी से आपने पंगा लिया, उसके बाद आपने सोनू निगम से पंगा लिया, अनु मलिक से पंगा लिया, आपने अनीस बमजी से पंगा लिया, आपने उसके बाद बोनी कपूर से पंगा लिया,
ये पंगा किंग जो आप बने हुए हैं। अच्छा सर सुनिए, अभी देखिए नया नाम मत दीजिए सर। आशा जी से मैं माफी मांग चुका हूँ। हाँ। बोनी कपूर जी ने बहुत ग्रेस माने ग्रेस कर दिया, मुझे माफ कर दिया है। बिकॉज़ तनैया तो हाँ। वो गाना उनका था और जो हमारी पिक्चर में हमने मैंने कंपोज किया वो मेरा ही था, वो यूज हुआ। अनीस बज्मी जी से कोई पंगा था नहीं। और एक तरफ तो आप अपने रोल बदलते रहे, कहां से आप कहां। लेकिन सर कितनी चीजें मेरे साथ रूमर्स भी जुड़े। अब आज आपको दो पॉइंट क्लियर करने मेरे लिए। एक अफवाहें जुड़ गई आपके साथ। अफवाहें नहीं, झलक दिखला जा के साथ भूत आ जाते हैं, ये अफवाहें। मल्लिका शरावत एक ही 10 मिनट के लिए कुछ 1.5 करोड़ रुपया लेती है, वो कुछ अफवाहें या एक। अच्छा हम दो नहीं सुनिए सर, दो गाने प्रोमोज में दिखाते हो आप बोलते हो एक ही गाने के लिए है। तो अफवाहें मेरे साथ भी जुड़ी हुई है सर। मैंने माने हर चीज हर आदमी से पंगा नहीं लिया और मैं पंगा किंग नहीं हूँ। तो किस तरह की अफवाहें आपके साथ क्यों है पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बुलवाने की नए फिल्म हीरो हिमेश रेशमिया से। तो आपकी फिल्म में एक और भी गाना बहुत बढ़िया है, जरूर सुना दें। तन्हाइया सरालम सारे मौसम सारी खुशियां सारी दुनिया तेरे बगैर। तन्हाइया 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 पर अभी आपने एक ही रोल दिखाया, आगे आगे देखिए होता क्या, टोपी के नीचे क्या है, पता नहीं टोपी के नीचे क्या है वो दिखाते रहेंगे। और बस आपका आशीर्वाद रहे, लोगों का प्यार रहे, तो इसी तरह सिक्सर पे सिक्सर मारेंगे सर। नहीं टोपी के नीचे क्या है ये बताइए ना, आपने बाल नकली लगवाए थे एक वहां। लेकिन सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसप्लांट हो चुका है। ट्रांसप्लांट कराया ना बाल उसके लिए। सर छोड़ूंगा मैं 100% ट्रांसप्लांट सर, लेकिन ट्रांसप्लांट उसमें भी कोई गुनाह है। गंजा था थे, बाल उड़ गए आपके। बाल पहले जल्दी उड़ गए थे। क्यों पैसे आपको मैंने शुरू किया आपने। लेकिन सर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी के ओले पड़े कि बाल गंजे हो गए और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट से बाल अभी आ गए हैं। अब आगे दिखा देंगे वो बाल भी। पर आपको लगता नहीं कि फिल्मों के अंदर ये टोपी तो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। टोपी उतारी ना भाई सर, उतारी आपने। अरे तो आगे उतार देंगे ना, उस पे ही तो सीटियां पड़ी थी ना सर। हाँ। तो फिर तो आगे आज आपकी टोपी उतारता पर उतार नहीं रहा क्योंकि आपने प्रॉमिस किया कि अगली बार आपके यहाँ पर 100% टोपी उतार दूंगा और टोपी उतार कर ही आऊंगा ना। तो इसलिए फिल्म अगर आपका फ्यूचर अपने आप को किसमें देखते हैं। नहीं सर देखिए अनकन्वेंशनल, देखिए आप जिस किस्म की मैं सिंगिंग करता हूँ, अगर वो सिंगिंग जो हाई पिच वॉइस है वो एक कन्वेंशनल वॉइस होके एक्सेप्ट होगी ये तो कोई नहीं कह सकता था। तो ऐसे ही कोई भी चीज कन्विक्शन से, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, अंदर से बिलीफ और परफेक्ट नजर उस चीज पर कि आप एक अच्छे इंसान बनो और लोगों तक अपनी 1-to-1 जो आप कनेक्ट करना चाहते हो वो कनेक्ट करो। स्क्रिप्ट को, म्यूजिक को, परफॉर्मेंस को, मेरे परफॉर्मेंस को 1-to-1 मेरे फैन से मैंने कनेक्ट कर दिया वो चीज, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जब लोगों का प्यार और दुआएं जो मेरे साथ थी और जिसकी वजह से सक्सेस मिला वो और आगे भी वही। पर इस वक्त सवाल ये है कि आपका जो पर्सनैलिटी जी जिस तरह की फिल्में आजकल लोग देखना चाहते हैं ये फिल्म आपकी सर मेरे साथ सब कुछ आएगा। कन्वेंशनल येट कमर्शियल, ये मैं ये कॉम्बिनेशन ऑलवेज ट्राई करूंगा कि भाई अलग लेकिन ये जो सबको रीच करे। तो अलग चीज जिसमें ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज, अलग परफॉर्म। अब लोगों का ये डेफिनेटली सवाल होगा कि अब हिमेश रेशमिया अगला जब कैरेक्टर करेगा तो वो कैसा करेगा, तो वो अब उसमें सवाल होंगे, बोलेंगे या जरूर पिटेगा। मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल कि ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में मुझे खरे उतरना है। वो कसौटी पर फिर खरा उतरूंगा और मेरे फैंस हैं जिनको जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे बस वो बचाने आए। क्रिटिक जो आजकल अंग्रेजी लिखने वाले जो अखबार हैं जिसने देखा जी, सब ने आपकी एक्टिंग के ऊपर भी थोड़ा कमेंट किया कि नहीं किया आपने। हाँ ठीक है, उनके अपने उनको लगता है आमिर अच्छा एक्टर है, सलमान अच्छा। बट उनकी भी तो पहले वैसे ही की थी ना सर, ये तो मेरी तो पहली फिल्म है। तो फर्स्ट फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉक्स ऑफिस सक्सेस इतनी बड़ी हुई और अगर क्रिटिकल वो हुआ तो उन्होंने मेरे गानों के साथ जो आती है इस तरह के क्लास जो एक्टर आते हैं जो जिनको आप बोलते हैं क्लास एक्टर जिनको बोलते हैं जी फिल्म में कमर्शियल फिल्म नहीं दूसरी की आर्ट फिल्म में उनके लिए तो बड़ी तारीफ कर देते हैं वो लोग। बट सर देखिए अगर वो लोग उनकी एक देखिए सर मैंने एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किरदार की तारीफ होनी है किरदार जो है। हाँ बट क्रिटिकल अगर क्या कमी है जो जिनको कमी तो नहीं है सर, मैं ये कहूंगा कि कमर्शियली
सब कमर्शियल सक्सेसफुल है, फिल्म तो आपकी चल गई, चल गई, करेक्ट। एक्टिंग के ऊपर क्यों कमेंट किया आप? नहीं, उन्होंने फिल्म के ऊपर भी किया, एक्टिंग के ऊपर भी, उन्होंने हर चीज पे किया, वो क्रिटिकल जो रिव्यू था, बट वो क्यों ये सोचने लगे कि मैंने आठ फिल्म बनाई, आठ फिल्म के लिए हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे कमर्शियली, बट उन्होंने शोले और हम आपके हैं कौन की भी क्रिटिकली वही बुराई की थी, तो मैं समझ सकता हूँ वो उनका क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसा बेंचमार्क भी मैंने देखा है कि एक शाहरुख खान साहब है जिनका वो बेंचमार्क है कि उनको क्रिटिकल एक्लेम भी मिलता है और कमर्शियल एक्लेम भी मिलता है, और वो चीज की मैं दाद देता हूँ, और वो चीज के लिए मैं ऑलवेज वो देखता हूँ कि वो चीजें बैलेंस होनी चाहिए पिक्चर में, कि क्रिटिकल एक्लेम भी मिले और कमर्शियल, वो 1% हमारे में जो कमी रही है वो हम दूरी करेंगे, दूर करेंगे नेक्स्ट टाइम। या तो ये है कि आप जनता के हीरो हैं, ये लोग हाई फाई ऐसा कुछ नहीं है, वो जनता ने प्यार दिया है, जनता तो बनाती है, उनका आभार है, लेकिन वो 1% अगर क्रिटिक्स को कुछ लगा है तो उनको जीतने की, मुझे तो जीतना ही है और मैं जीतूंगा और उनको जीतूंगा सर, ये एटीट्यूड मेरे में है, उनको भी जीतूंगा। जीतेंगे इसको तो एक्टर मानेंगे जब आपको ना, नहीं एक्टर मानेंगे ना सर, मैं मनाऊंगा उनको, जब दिल में हिम्मत है और आपसे सीखा है मैंने कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और प्रभु चावला जी के सामने आकर वादा करके जा रहा हूँ कि उन्हें भी सेटिस्फाई कर दूंगा। थोड़ा वहां पर जिस तरह की एक्टिंग वो करते, जिस तरह की एक्टिंग किया आपने इश्क करने की, आप तो मान नहीं रहे किसी फिल्म में, तो इश्क करना ही पड़ेगा ना आपको जेन्युइनली सर, लेकिन नेचुरली करूंगा ना, मेरी अपनी स्टाइल है। अब मैं अगर उनकी बात मानकर वो नेजल सिंगिंग पर अगर मैं चाहता कि भाई नेजल सिंगिंग है तो स्टाइल अपनी बदल देता, तो ये सब नहीं होता ना सर, तो मैं अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा, लेकिन उनको सेटिस्फाई करूंगा। और देखो उन्होंने मुझे आफ्टरऑल आशिक बनाया में अवार्ड दिया ना, नेजल सिंगिंग के बावजूद भी दिया, तो मैं भी क्रिटिकल एक्लेम भी लेकर रहूंगा उनसे। मेरा ये फिल्म में जो आपने कोशिश की नेजल सिंगिंग छोड़ी, एक तो लड़की छोटी क्यों चुनी पहले तो बताइए सर, इसलिए कि आपको लगता है कि सीनियर एक्टर भी आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पिटाई कर देगी एक्टिंग में भी, ये भी हो सकता है, लेकिन सीनियर कंपटीशन आप देने का, मल्लिका तो थी ना सीनियर, मल्लिका तो थोड़े एक नहीं है, ये देखिए आप अभी भी पिक्चर देखने के बाद भी अभी बोलते हैं आपका इश्यू किसी और के साथ, लेकिन देखिए वी वांटेड अ न्यू गर्ल, अ डिवाइन गर्ल, बिकॉज शी इज प्लेइंग अ वेरी डिवाइन कैरेक्टर, और जब रूपा प्रशांत जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सिलेक्ट की लड़की को, शी माने सूट करती थी रोल को, ले लिया। जब लोगों ने एक्यूज किया कि भाई छोटी क्यों है, अरे भाई बॉबी में डिम्पल कपाड़िया जी जब लॉन्च हुई थी तो 14-15 की थी, शी इज 16, शी इज डन अ साउथ इंडियन फिल्म, लेकिन वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, अभी वो थी भैया, अब चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं है, अब वो शी इज ऑलरेडी डन अ साउथ फिल्म, दैट्स इट। नहीं, पर सवाल है कि इस फिल्म में जितने गाने हैं, कितने गाने टोटल उसके अंदर? छह गाने। छह, सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? मेरे एक फेवरेट गाना है मेरा, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और वो मैंने नाक से नहीं गाया। हाँ, गा दीजिए फिर उसको, जनता को पता लगे आप बिना नाक के भी गा सकते हैं। राइट, गुड गुड सर। ना मेरी सांसें चले, ना मेरे पल छिन कटे, बीते ना मेरे दिना तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। अब लगता है कि आप अगला फ्यूचर आपका जो है फिल्मों में है या गाने में है? देखिए, अब म्यूजिक, सिंगिंग और एक्टिंग, ये तीनों का नेक्स्ट, मेरी तीन फिल्मों का प्लानिंग जो है वो आपको बता सकता हूँ कि म्यूजिक, सिंगिंग एंड एक्टिंग में ही हमेश रेशमिया मिलेगा, ना अकेले म्यूजिक में मिलेगा, ना अकेले एक्टिंग में, ना सिंगिंग में, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री विल बी द नेक्स्ट थ्री फिल्म्स, एंड आई एम जस्ट वेटिंग, और वो जो 1% क्रिटिक्स जो अगेंस्ट रहे उन्हें भी जीतने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन 99% को तो बरकरार रखने की। आपने अपनी फिल्म बनानी है, प्रोडक्शन हाउस भी खुद बनाएंगे? नहीं सर, ये तो मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर मैं नहीं इस फिल्म का, ना था, ना हूँ, ना आगे भी बनना चाहता हूँ, तो म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, ये तीन का। यहाँ फिल्म में तो बड़े ग्रुप है ना, बड़े बड़े, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तो हिमेश तो किसी ग्रुप में है नहीं? ग्रुप में नहीं है तो क्या हुआ सर, लेकिन फाइनली मुझे मालूम है कि जब ये फिल्म हिट हुई है तो इतने लोगों के फोन आए, इन्होंने मुझे इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतने मैसेजेस दिए, तो वो इंडस्ट्री मेरे साथ थी, ऐसा नहीं है, उन लोगों ने मेरे लिए प्रे किया है कहीं ना कहीं, और वो प्रेयर्स थी सर जो 29 जून को लग गई। तो आपको लगता है आगे भी आप अपने आप को ग्रुप में रख, किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे आप? हाँ, नहीं, ग्रुप मेरा ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इन सब के साथ काम करना चाहता हूँ जो लेजेंड्स हैं, और जरूर करूंगा। झगड़ा नहीं करेंगे ना? नहीं सर, प्लीज, पंगा किंग नहीं हूँ मैं। पंगा किंग नहीं है आप? ठीक है, आप पंगा किंग नहीं है, मैं मान लेता हूँ, अगली फिल्म का इंतजार करूंगा और टोपी जरूर उतरवाऊंगी फिल्म में। आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी हिमेश रेशमिया के साथ आज की मुलाकात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा
आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए, तब तक और देखते रहिए आज।